कब्रिज मौत का मंजर, अचानक बॉयलर च होया ब्लास्ट, बुरी तरह झुलस गए 39 मजदूर। हुण तक 10 मजदूरां दी मौत, आखिर किसकी लापरवाही नाल होया यह हादसा? ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੋਇਲਰ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਰੂਹੇੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਾਰੂਹੇੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਇਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਮ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ਮ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਜ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 3 ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 10 ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਭ ਕੋ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਜਰੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਥੀ, ਬਟ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਮੇ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ 304 IPC 308 IPC के तहत हमने उसमें FIR किया। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं, और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और DC साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे, और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सबके रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने, और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। बाकी हमने DC ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके, तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी है उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हम लगता है कि चूंकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कमी किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे, जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है, कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे, बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। ठीक है, क्या ओके सर, थैंक यू सर। कंपनी वाले में जैसे गिरफ्तारी की बात आती है, क्योंकि FIR उसमें हो चुकी है, अभी उस पर लेवल पर भी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं वो भी है कि गिरफ्तारी नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, हम देखें कि भाई घटना दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शन है 304 IPC जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाए हैं, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा के प्रावधान है, और जिसमें जो भी जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे वो ओनर की तरफ से, जिसके जो भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक लेवल पर कोई इस तरह की बात आई कि कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं इस तरह की? तो ये बताना मेरे लिए बड़ा अभी प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर। उनका कहना है कि हमने जो डस्ट कलेक्टर यूनिट लगाया था ये इनके सेफ्टी के लिए ही लगाया था, कि वहाँ पे जैसे मेटल की कटिंग हो रही थी तो मेटल के डस्ट हो जाते हैं उस डस्ट, बट क्या उन्होंने डस्ट कलेक्टर यूनिट की ढंग से मेंटेनेंस की थी, ठीक से उनकी क्लीनिंग रेगुलर जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से हुआ था, और जब शेड्यूल के हिसाब से क्लीनिंग हुई थी बट वो क्लीनिंग ठीक से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो हमने वहाँ पे सीनो क्राइम के साथ छेड़छाड़ ना हो तो हमने पुलिस का प्रबंध भी रखा है, सो दैट की जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी यूनिट जो एक्सपर्ट्स आए तो वो बता पाएं कि क्या जांच में हुआ, उसके हिसाब से हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे।